की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अदालती प्रक्रिया के बाद ही राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के बारे में विचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर मुद्दे पर अध्यादेश लाने के बारे में अदालती प्रक्रिया खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार अध्यादेश लाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के वकील खलल पैदा कर रहे हैं, इसलिए अदालती कार्रवाई धीमी हो गई है। प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि भाजपा राम मंदिर मुद्दों को भावनात्मक मुद्दे के तौर पर उठाती है। इस पर मोदी ने कहा, हमने भाजपा के घोषणा पत्र में भी कहा है कि इस मुद्दे का हल संविधान के दायरे में रहकर ही निकल सकता है। मोदी ने कहा कि हमारी जो भी जिम्मेदारी होगी वही करेंगे। अदालती प्रक्रिया खत्म होने दीजिए। जब अदालती प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद सरकार के तौर पर हमारी जो भी जिम्मेदारियां होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी ने कहा, 2019 का चुनाव जनता बदना महागठबंधन होगा। मोदी ने जनता से सिर्फ प्यार और आशीर्वाद का नाम दिया है। मोदी ने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में जोखिम था, मुझे कामयाबी से ज्यादा जवानों की फिक्र थी। प्रधानमंत्री ने कहा 2019 का जनता बदना महागठबंधन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी कोई झटका नहीं था, हमने साल भर पहले लोगों को काले धन को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को सुधरने में समय लगेगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS India Agipress से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को